ये आईएस के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस आईएस के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। कुरान मजीद का पहला कलमा जो है उस झंडे पे लिखा होता है। मुसलमान उसको लेके चलते हैं और उसको आगे रख के पुलिस पे आर्मी पे गोली चलाते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को। भाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा हैं ये साहब, नफरत की दुकान है, इनको मैंने पहले भी एक्सपोज किया हुआ, आज दोबारा एक्सपोज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। उसके बाद इनकी एक वीडियो मैं चालू करता हूं तो सिवाय मुस्लिम बैशिंग की, मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड फैलाने की, झूठ फैलाने की, हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाने की, नफरत की भावना पैदा करने की, इस प्रोपेगेंडा के अलावा इस आदमी को कुछ काम ही नहीं है। मेरे ख्याल से सवेरे शाम दिन रात चाय नाश्ता खाना ये हर समय सिर्फ जो है मुसलमानों को गाली देता है। इसके मन में इतना ज्यादा नफरत फैला हुआ है, इतना ज्यादा नफरत कूट कूट के घुसा हुआ है, सिर्फ यही करता है, 24 घंटे यही बात करता है। ये बड़ा ही घटिया आदमी है। और आप लोग आजकल देख रहे होंगे मैं पूरी सीरीज बना रहा हूं, कंगना रनआउट हो गई एक पगलेट है, ये रागिनी तिवारी को कल मैंने एक्सपोज किया दूसरी पगलेट है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये इन पगलेटों का लीडर है समझ लीजिए, क्योंकि सब लोग इसी से इंस्पायर होकर अपने पगलेटाई करते हैं, ये इनका रिंग लीडर है। ठीक है, इसका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, एब्सोल्यूट पागल आदमी है, नफरत की दुकान है। और इस आदमी को पहले मैं एक्सपोज कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, बराबर करते रहूंगा। और इसके अलावा मैं कुछ और नाम लेता हूं, विवेक अग्निहोत्री पगलेट है, हाँ, और एक इन लोगों का नया मार्केट में आया है पगला, पढ़ा लिखा वाला पगला, नाम है आनंद रंगनाथन, एब्सोल्यूट पगलेट है। ये सब नफरत की दुकान है और इनके साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो ये पगलेटाई और ये नफरत फैलाते रहते हैं और बचते रहते हैं, उनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। तो आज के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा मेरे टारगेट है, ये आदमी पगलेट है और इसकी नफरत की दुकान चलती रहती है ऐसे ही बराबर, और YouTube पे सिर्फ एक अंत फैलाते रहता है सारे दिन। मेरे ख्याल से सपने भी इसको मुस्लिम बैशिंग के आते होंगे, ये आदमी अपनी नींद में भी जो है ना मुसलमान मारो मुसलमान काटो यही करते रहता होगा बस। बड़ा ही घटिया आदमी है, मैंने कहा इसकी एक वीडियो बना के इसको एक्सपोज करूं। आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा पर्पस लाइक शेयर बिटोरने का नहीं है, मेरा पर्पस इस घटिया आदमी, इस नफरत की दुकान, इस प्रोपेगेंडिस्ट को एक्सपोज करने का है। बहुत जरूरी है, देखिए जब तक हम शरीफ लोग जो सही लोग हैं सत्य के साथ है वो लोग अगर इन घटिया लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे तो घटिया लोग बराबर अपना काम करते रहेंगे, कहीं हावी रहेंगे, तो इनको एक्सपोज करना जरूरी है। बाकी आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इन टाइप के घटिया लोगों को का जो सच है वो जो मैं सामने बराबर लाते रहता हूं उसको आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इन लोगों को थोड़ा भी एनकरेज ना होने दीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा इज अ नफरत की दुकान, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा इज द रिंग लीडर ऑफ ऑल द पगलेट्स दैट आई एम एक्सपोजिंग दीज डेज। ही इज अ मुस्लिम हेटर, अ क्लासिक बिगट and a terrible man whose only agenda seems to be to bhadkao dangas in this peaceful land called Bharat, India. Jai Hind bhaiyo aur Jai Bharat. जोर से बोलो सब लोग।
तो भाई इधर से नहीं पता आ जाता हमें सब आपको दे भारत बोलिए।